हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 3.5 और क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग आ गए हैं, जिसमें हमें सेंटेंसेस दिए हुए हैं और हमें लीनियर इक्वेशंस के पेयर बनाने हैं और उनके सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। और इफ दे एग्जिस्ट का मतलब क्या है, वो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। a1 upon a2 should not be equal to b1 upon b2। अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है इक्वेशन तो आगे फाइंड करेंगे सॉल्यूशन, अदरवाइज लीव आउट कर देंगे। तो चलिए पहली स्टेटमेंट रीड करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है, अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस फिक्स। मंथली हॉस्टल चार्जेस का एक हिस्सा फिक्स है, मतलब अपन लेट कर लेते हैं, लेट द फिक्स्ड चार्जेस ऑफ हॉस्टल, वो हम लोग लेट कर लेते हैं x रुपए, ये फिक्स है। उसके बाद एंड रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मैस, और बाकी चार्जेस डिपेंड करते हैं कि कितने दिनों तक खाना मैस में खाया गया है। इसका मतलब क्या है, हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ फूड इन मैस पर डे। तो एक दिन के जो खाने के चार्जेस हैं वो लेट कर लेते हैं y रुपीज। अब व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज, एक स्टूडेंट है ए, उसने 20 डेज के लिए जो है वो टोटल 1000 रुपीज पे किए। तो इसे आप कैसे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या कंडीशन, एक्स रुपए तो फिक्स हो गए, ये तो फिक्स है, चाहे आप 20 डेज की बात कर लो, चाहे 21 डेज की या 30 की, ये तो फिक्स है। इसके अलावा 20 डेज के लिए मतलब उसने खाना खाया होगा, तो अगर एक दिन के लिए y रुपीज पे किए जा रहे हैं तो 20 डेज के लिए कितने रुपए पे होंगे, 20y, और ये टोटल बिल बना है 1000। तो x - x+20y 1000 इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो ये आ गया फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन ये है, स्टूडेंट बी, तो एक स्टूडेंट बी है हु टेक्स फूड फॉर 26 डे। अब उसने, बी स्टूडेंट ने 26 डेज के लिए खाना खाया है एंड पे 1180 का अमाउंट पे किया है, यानी कि एक्स तो फिक्स हो गया, वन डे का फूड y रुपीज है, तो 26 का 26y होगा और टोटल रुपीज दिए 1180, और वी कैन से x+26y - 1180 इज इक्वल टू 0। दिस इज सेकंड इक्वेशन। अब पहले चेक करेंगे a1 upon a2। a1 होता है x का कोफिशिएंट पहली इक्वेशन में, तो दैट इज 1, और a2 की वैल्यू है दूसरी इक्वेशन में x की वैल्यू, तो कोफिशिएंट सॉरी 1 हो गया। फिर b1 upon b2, b1 है कोफिशिएंट ऑफ y फर्स्ट इक्वेशन में जो यहाँ पे 20 है, सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 26 है, तो ये आपका क्रॉस करके 10/13 आ जाएगा। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि a1 upon a2 जो है वो b1 upon b2 के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया, सॉल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट करता है। इनफैक्ट वी विल राइट यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट, ये चीज। अब हम लोगों के पास बहुत सारे मेथड है सॉल्व करने के, आपकी मर्जी, आप कोई भी लगा सकते हो। मैं यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगाना प्रेफर करूंगा, तो एलिमिनेशन मेथड में क्या है, फर्स्ट इक्वेशन एज इट इज लिख ली और सेकंड इक्वेशन भी हम लोग एज इट इज लिख लेंगे। अब एक्स के कोफिशियंट यहाँ पे सेम है लेकिन माइनस नहीं हो रहे, तो हमें साइन क्या करने पड़ेंगे, यहाँ पर
चेंज करने पड़ेंगे, और इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिख देंगे अपा, सब्ट्रैक्शन। एक्स के साथ एक्स कट जाएगा, 20 में से 26 गया, माइनस का 6y, 1000 और 1180 प्लस माइनस की वजह से माइनस होगा, लेकिन साइन प्लस का आ जाएगा, 180 इक्वल टू 0, 180 को शिफ्ट करोगे तो माइनस हो जाएगा, तो कैंसिल आउट होके y जो है वो 180 अपॉन 6 यानी कि 30 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, एक दिन में जो मैस में खाने का जो चार्जेस है वो कितने रुपए है, 30 रुपीज है। अब हमें फिक्स चार्जेस निकालने हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, y की जो वैल्यू 30 आई है उसे लेट मी से 1 में पुट कर देंगे, x प्लस 20 इंटू 30, 1000 को उधर भेज दो, पॉजिटिव का हो जाएगा, 20 को 30 से करेंगे 600 आएगा, और 600 को शिफ्ट करेंगे तो इट विल बी 400 रुपीज। तो यानी कि जो फिक्स चार्जेस हैं वो 400 रुपए है, और एक दिन का जो खर्चा है वो 30 रुपीज लिया जा रहा है फूड का। तो इस तरीके से फोर्थ पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा डन हुआ। क्लियर करते हैं और अब सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमिनेटर। तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की बात आ जाए तो पहली तीन लाइनें फिक्स ही कर लो, लेट द न्यूमिनेटर एक्स लेट कर लेते हैं और डिनोमिनेटर को वाई लेट कर लेते हैं। तो जो फ्रैक्शन है वो क्या बन जाएगा, एक्स अपॉन वाई। ये तीन चीजें फिक्स हो गई। अब चलते हैं कंडीशन की तरफ। फर्स्ट कंडीशन है कि अगर अकॉर्डिंग टू कंडीशन वन, वन न्यूमिरेटर में से सब्ट्रैक्ट किया जाए यानी कि x माइनस 1, और डिनोमिनेटर में कुछ भी हमें चेंज नहीं करना, y का y रखेंगे, तो फ्रैक्शन की वैल्यू कहते हैं 1/3 बन जाएगी। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x को 3 से किया 3x, माइनस 1 को 3 से किया माइनस 3, और y को 1 से किया y, यानी कि 3x माइनस का y माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। वाई उधर आके साइन चेंज कर लेगा, 3 नेगेटिव अभी उधर ही है तो इसीलिए एज इट इज रहेगा। सेकंड कंडीशन में क्या है चेक करते हैं। सेकंड कंडीशन में उन्होंने बोला है इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू डिनोमिनेटर। अब न्यूमिरेटर में तो कुछ चेंज नहीं करना, डिनोमिनेटर में 8 ऐड करेंगे तो जो फ्रैक्शन है वो 1/4 बन जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4x इज इक्वल टू y प्लस 8, तो 4x माइनस का y माइनस का 8 इज इक्वल टू 0, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। अब चेक करना है तो a1 अपॉन a2 का रेशियो चेक करेंगे पहले, व्हाट इज a1, 3 x का कोफिशिएंट, और a2 x का दूसरा कोफिशिएंट सेकंड इक्वेशन में, और अब b1 अपॉन b2 की बात करेंगे, व्हाट इज b1, y का कोफिशिएंट दैट इज -1, और b2 का इधर भी माइनस का 1 है तो ये कैंसिल आउट होके ओनली 1 रह जाएगा। क्लियरली सी कि a1 अपॉन a2 का रेशियो b1 अपॉन b2 के रेशियो के इक्वल नहीं है, तो मतलब आई विल से कि यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो अगर यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो मेथड यूज कर सकते हैं। अब सपोज कर लो मैंने कौन सा मेथड लगाना है, एलिमिनेशन मेथड। तो पहले तो इक्वेशन को साइड में रख लेते हैं, अपन 4x माइनस वाई माइनस का 8। अब देखिए y के कोफिशिएंट यहाँ पे सेम है, -1 एंड -1, लेकिन कैंसिल करने के लिए हमें साइन क्या करने पड़ेंगे, चेंज। तो वी विल यूज द टर्म
सब्ट्रैक्शन, तो माइनस प्लस प्लस, तो फोर में से थ्री गया वन हो गया, ये वाई कैंसिल हो जाएगा, एट में से थ्री गया फाइव इक्वल टू जीरो, फाइव माइनस का हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू आपके पास आ गई फाइव। अब एक्स की वैल्यू वन या टू किसी में भी पुट कर दो, पुट एक्स इज इक्वल टू फाइव लेट मी से इन वन, तो जहां पे आपको एक्स दिखाई दे रहा है वहां पे फाइव पुट कर दो, फाइव इंटू थ्री इंटू फाइव फिफ्टीन होता है, जो ये माइनस का थ्री है उधर जाके प्लस का थ्री हो गया, फिफ्टीन उधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का ट्वेल्व, माइनस के साथ माइनस कैंसिल, तो वाई की वैल्यू ट्वेल्व आ गई, तो फ्रैक्शन क्या बनेगा फाइव अपॉन ट्वेल्व, और यही हमारा आंसर आएगा जो उन्होंने हमसे कैलकुलेट करने के लिए बोला था, दैट इज द फ्रैक्शन। ओके, अब चलते हैं तीसरे पार्ट की तरफ। तीसरी स्टेटमेंट है यश स्कोर 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, यश ने एक टेस्ट में 40 मार्क्स स्कोर किए, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लॉसिंग 1 मार्क फॉर रॉन्ग आंसर, तो हर सही आंसर यानी कि करेक्ट आंसर के लिए उसे मिले हैं 3 मार्क्स, इसको आप प्रॉपरली लिख लेते हैं, मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर, हर सही आंसर के लिए कितने नंबर मिल रहे हैं 3, और मार्क्स ऐड लिख देंगे यहां पे, और यहां पे लिख देंगे लूज, लूज मतलब माइनस होंगे फॉर ईच रॉन्ग आंसर, दैट इज वन। तो अब हमें आगे दिया हुआ है, हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, अगर 3 की जगह कहता है सही आंसर के लिए 4 नंबर मिलते, एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, और गलत या इनकरेक्ट आंसर के लिए 2 नंबर कटते, 1 की जगह 2 नंबर कटते, तो यश का स्कोर होना था 50। तो बताइए कितने क्वेश्चन थे टेस्ट में। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है हमसे कितने हैं, तो लेट द नंबर ऑफ क्वेश्चंस हुज आंसर्स आर गिवन राइट, तो जिनके आंसर सही दिए उनके उनके वो क्वेश्चन मान लेते हैं एक्स, एंड नंबर ऑफ क्वेश्चन हुज आंसर आर गिवन इनकरेक्ट या फिर रॉन्ग, ऐसे क्वेश्चन मान लेते हैं आप वाई। तो अब फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंगली सही जवाब देने पे 3 मार्क्स मिलते हैं, तो अगर एक क्वेश्चन के 3 मार्क्स मिले तो एक्स के कितने मिलेंगे 3x, और अगर एक गलत आंसर दिया तो उसके लिए एक नंबर कटेगा, तो वाई के आंसर गलत है तो कितने नंबर कटेंगे वाई, और जब नंबर कटते हैं तो बीच में क्या साइन आएगा माइनस का, और ये टोटल बने नंबर 40 यानी कि 40, ये हमें दिया हुआ है अगर इस कंडीशन पे चलती है कहानी तो, यानी सही जवाब देने पे 3 नंबर मिलेंगे और गलत जवाब देने पर 1 नंबर कटा मिलेगा आपको। अब सेकंड कंडीशन में क्या है, कहते हैं 3 की जगह अगर सही आंसर देने के 4 मार्क्स मिलते, यानी एक आंसर देने के 4 मिल रहे हैं तो x के कितने मिलते 4x, और एक की जगह अगर 2 नंबर कटते, एक आंसर गलत होने पर अभी एक नंबर कट रहा है तो अब कितना कटेगा 2 नंबर, तो y के साथ 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y हो जाएगा विद नेगेटिव साइन, y नेगेटिव क्योंकि नेगेटिव जो नंबर कटते हैं उसमें वो टोटल में माइनस होंगे, और टोटल एडिशन कितना बन जाता है 50 बन जाता है।
ये बन गई सेकेंड इक्वेशन। अब पहले a1 अपॉन a2 की बात कर लेते हैं। कोफिशिएंट ऑफ x इधर 3 है एंड इधर 4 है। फिर b1 अपॉन b2 की बात कर लेते हैं। कोफिशिएंट ऑफ y -1, कोफिशिएंट ऑफ y -2, तो ये आ गया 1/2। एंड यू कैन क्लियरली सी कि a1 ओवर a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब क्या कहेंगे कि यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अब अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो इसका मतलब है हम लोग कोई भी मेथड अपना सकते हैं। तो मैंने जैसे पहले बोला एलिमिनेशन यहाँ पे सही रहेगा, तो एलिमिनेशन प्रोसेस यूज करेंगे। तो पहले तो दोनों इक्वेशंस को दोबारा इधर रिक्रिएट कर लो। ये आपकी फर्स्ट है और 4x -2y -50 ये सेकंड है। अब यहाँ पे x और y किसी के भी कोफिशिएंट इक्वल नहीं है, तो पहले हमारा काम क्या है, इनके कोफिशिएंट या तो x के इक्वल कर ले या फिर y के इक्वल कर ले। अब x के अगर करेंगे इक्वल तो इस इक्वेशन को हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि 4 × 3 12 हो जाए, और सेकंड की मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे ताकि 3 × 4 12 हो जाए। तो इसका मतलब है हम लोग यहाँ पे लिख देंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/4। और याद रखिए सिर्फ एक्स वाला नहीं, सारे के सारे नंबर ही 4 से मल्टीप्लाई करने हैं। और इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन को भी पूरी की पूरी को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 × 3 12x, 4 × y 4y, 4 × 40 माइनस का 160, उधर जाके प्लस का 160 हो जाएगा। फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो 12x 6y 150, उधर जाके पॉजिटिव। अब 12x तो सेम आ गया दोनों में, 12x 12x, लेकिन कट नहीं रहे। तो व्हाट वी हैव टू डू, वी विल यूज सब्ट्रैक्शन। अब 6y में से 4y गया 2y, 160 में से 150 गया 10, तो y की वैल्यू आ गई 10/2, दैट इज इक्वल टू 5। इसका मतलब है y, यानी ऐसे क्वेश्चन जिनका आंसर गलत है वो क्वेश्चन टोटल 5 है। अब बात करेंगे x की, कैसे करेंगे, इधर कर लेते हैं। पुट y इज इक्वल टू 5, लेट मी से 1 में अप्पा कर देते हैं पुट, तो y की जगह सिंपली 5 आ जाएगा। 4 × 0 = 40, उधर जाके पॉजिटिव का हो गया। 5 इधर माइनस का है, उधर जाके प्लस का 45, तो x आ गया 45/3 यानी कि 15। तो इसका मतलब क्या है, ऐसे क्वेश्चन जिनका आंसर सही दिया है वो 15 है और जिनका आंसर गलत दे दिया वो क्वेश्चन 5 है। तो फिर टोटल क्वेश्चन कैसे निकलेंगे, रॉन्ग प्लस राइट क्वेश्चन, तो टोटल क्वेश्चन इज 15 + 5, दैट इज इक्वल टू 20। ये आपको निकालने हैं क्योंकि हमने पूछा हुआ है कि टोटल क्वेश्चंस कितने हैं। तो सही जवाब देने वाले क्वेश्चन 15 है और 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके आंसर गलत दिए गए हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये 3 क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।